हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों अभी मैं हर की पौड़ी के मेन एंट्रेंस गेट पर हूं और मेरी हर की पौड़ी की प्रीवियस वीडियो में एक सब्सक्राइबर जोशी जी ने कमेंट करके पूछा है कि हर की पौड़ी हरिद्वार से मनसा देवी मंदिर तक कैसे जा सकते हैं एंड कितना समय लगता है। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में मैं आपको मनसा देवी तक कैसे जा सकते हैं एंड हर की पौड़ी से कितना समय लगेगा ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों हरिद्वार रेलवे स्टेशन से एंड हरिद्वार बस स्टेशन से हर की पौड़ी की दूरी अराउंड 2 किलोमीटर है। आप वहां से ऑटो या रिक्शा लेकर हर की पौड़ी तक आ सकते हैं। चलिए दोस्तों यहां से आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों अभी मैं अपर रोड मार्केट में हूं जो कि हर की पौड़ी के पास में ही है और इसी रोड से आप लोग मनसा देवी के एंट्रेंस गेट तक जा सकते हैं। आप देख सकते हैं अपर रोड मार्केट के लेफ्ट एंड राइट साइड शॉप्स मौजूद हैं। दोस्तों सामने आप देख सकते हैं रिक्शे खड़े हैं, तो आप रिक्शा लेकर भी मनसा देवी मंदिर के एंट्रेंस गेट तक जा सकते हैं एंड रिक्शे का चार्ज 20-30 रुपीज़ है। लेकिन दोस्तों मैं यहां से पैदल जाकर आपको अपर रोड मार्केट को दिखाना चाहता हूं एंड पैदल चलने में कितना समय लगेगा वह भी मैं आपको इस ब्लॉग में शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों अपर रोड मार्केट हर की पौड़ी की फेमस मार्केटों में से एक है। आप देख सकते हैं रोड के दोनों तरफ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में शॉप्स मौजूद हैं। तो अपर रोड मार्केट में भी होटल एंड धर्मशालाएं हैं जिनके बारे में मैं आपको अपने किसी दूसरे ब्लॉग में इंफॉर्मेशन शेयर करूं। आप देख सकते हैं इस शॉप में भगवानों की मूर्तियां, नेक्स्ट शॉप में बैग एंड रुद्राक्ष की मालाएं हैं। इस शॉप में प्रसाद अवेलेबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रुद्राक्ष की मालाएं भी मौजूद हैं। इस शॉप में आपको डिजाइनिंग बैग्स एंड खिलौने मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं सामने रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आपको खूबसूरत चूड़ियाँ और रुद्राक्ष की मालाएँ मिल जाएंगी।
सामने काफ़ी खूबसूरत डिजाइनिंग की मिरर की शॉप है। यहाँ पर सूट एंड शॉल अवेलेबल हैं। इस शॉप में भी प्रसाद अवेलेबल है। फाइनली दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूं मां मनसा देवी के एंट्रेंस गेट पर, जो कि आप अभी देख सकते हैं। दोस्तों, यहां पहुंचने में मुझे 6 मिनट का समय लगा एंड डिस्टेंस अराउंड 800 टू 900 मीटर है। चलिए दोस्तों, यहां से मनसा देवी मंदिर की ओर चलते हैं। आप देख सकते हैं मनसा देवी के एंट्रेंस गेट के बाद एक मिनी मार्केट है, जिसमें गली के दोनों ओर शॉप्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉप्स में रुद्राक्ष की मालाएं, माता की चुनरी, प्रसाद एंड कई अन्य सामान मौजूद हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से आगे की ओर चलते हैं। सामने आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत चूड़ियाँ एवं मालाओं की शॉप है। फाइनली दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं पहुंच चुका हूं मां मनसा देवी उड़न खटोला टिकट काउंटर के बाहर। आप देख सकते हैं यहां पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग टिकट काउंटर के बाहर खड़े हैं। दोस्तों, मनसा देवी मंदिर तक आप दो तरीके से जा सकते हैं। फर्स्ट, रोपवे या उड़न खटोले के जरिए। सेकेंड, पैदल चलकर। आप देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर की ओर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग मौजूद हैं। दोस्तों, यह रोपवे से जाने का एंट्री गेट नंबर 1 है, जहाँ आप देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड टिकट चेक करने के बाद अंदर की ओर को प्रवेश दे रहे हैं। तो दोस्तों, एंट्री गेट नंबर 1 के पास ही पैदल चलकर जाने का रास्ता है, जो आप अभी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ श्रद्धालु मंदिर की ओर जा रहे हैं और कुछ श्रद्धालु मंदिर से नीचे की ओर को आ रहे हैं। दोस्तों, रोपवे से मंदिर तक जाने का मार्ग और पैदल चलकर मंदिर तक जाने का जो मार्ग है, मैं अपने दूसरे ब्लॉग में शेयर करूंगा। तब तक आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का वेट कीजिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ से रोपवे का एंट्री गेट नंबर 2
एंड एग्जिट गेट दिखाता हूँ। सामने आप देख सकते हैं एग्जिट गेट। एंट्री गेट नंबर 2 है, यहाँ पर से कुछ श्रद्धालु मंदिर की ओर जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पर एंट्री गेट नंबर 2 के वहाँ पर की जो शॉप्स हैं उन्हें दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत मालाएं और बुक्स मौजूद हैं। दोस्तों, माँ मनसा देवी के मंदिर तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं अपने दूसरे ब्लॉग्स में शेयर करूँगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो। थैंक यू।